गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब आज? तो यार, आज मैं जा रहा हूँ गाड़ी का कुछ काम वो कराने जो कि मैं गाड़ी खरीदते यूजुअली करा देता हूँ पहले। वो थे गाड़ी के टायर चेंज। तो चेंज क्या मतलब? अपग्रेड, थोड़े से ब्रॉड या बड़े या जो भी बेटर ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन हो सकती है। टाइगन में अभी तक कराया नहीं था यार, क्योंकि पता ही आपको, पीछे दो ब्लॉग्स देखे होंगे आपने रिव्यू वाले, इस वजह से नहीं कराया था। माइंड मेकअप कर लिया, रखनी है, अब कराने जा रहा हूँ टायर अपग्रेड टाइगन के। चलो चलते हैं साथ में, ऑप्शन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं और क्या क्या हमें कौन से कर सकते हैं। तो यार, मैं पहले भी गया था एक दो जगह टायर देखने, तो मैंने MRF का प्रिफेंजा देखा था, जो कि स्ट्रीट और हल्का सा मतलब नॉर्मल टायर है, बट अच्छी रेंज है उनकी। कॉन्टिनेंटल भी देखा, योकोमा भी देखा, और मिचलिन तो है ही बढ़िया, बट ऑल टेरेन में चक्कर क्या हो रहा है, ऑल टेरेन में ना साइज आता नहीं है। अभी लगा हुआ 205 60 R16 205 इज वेट, 16 60 जो है वो उसका वॉल हाइट है, और R16 रिम साइज है। तो मिनिमम जो ऑल टेरेन आता है वो आता है 215 65 R16। तो 205 से 215 एक अपग्रेड और 60 से 65 एक अपग्रेड, तो डबल अपग्रेड हो जाएगा यार। और आई डोंट थिंक सो कि इतनी जगह होगी फेंडर में और उसमें कि वो टायर लगे ना, आई डाउट। एक बार देखूंगा लगवा के, अगर लग पाया तो। और भैया कह रहे हैं यार इस समय अब चक्कर वही है, तो मेरे को लग रहा है ऐसा कुछ लगाना पड़ेगा जो वेट में और स्ट्रीट पे दोनों पे काम करे। तो मिचलिन अच्छा है यार, कॉन्टिनेंटल में दिक्कत क्या है, जल्दी घिस जाता है। योकोहामा साउंड करता है, जो मैंने लोगों से पूछा है, रिव्यूज़ देखे हैं ऑनलाइन फोरम्स वगैरह में, और गुडियर भी ठीक है। तो अपोलो का मुझे ठीक इसलिए लगता है, स्विफ्ट में मेरे भी ना गुडियर आया था, तो उसमें ने अपोलो का लगवाया था, एटलांग 4G वाला लगवाया था, बढ़िया चल रहा है यार वो। तो अब भैया कह रहे हैं कि ये है अप्टेरा क्रॉस, और अप्टेरा क्रॉस का यार टैगलाइन ही कहती है फॉर एडवेंचर इन द अर्बन जंगल, फॉर एडवेंचर इन द अर्बन जंगल। तो यार कह रहे हैं वेट में भी चल जाएगा और ड्राई में भी चल जाएगा। अब इसमें क्या है, 215 हम लगवाना चाह रहे हैं एक लेवल अप, बट 60 में 60 लगा हुआ है, 60 ही 60 रखेंगे तो एक ही अपग्रेड होगा, डबल अपग्रेड नहीं होगा। एक बार लगवाते हैं गाड़ी में, भैया आ गया, लगवाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि कौन सा चल पाएगा इसमें। मेडिसिन कह रहे हैं भैया यार ये वाला लगवा लो, बढ़िया अल्ट्रा साउंडलेस टायर है। और मैं कहा ठीक है यार, एक बार लगा के दिखाओ गाड़ी में कैसा पता चलता है, थोड़ा फील आएगी गाड़ी की कैसा है, फिर देखते हैं कैसी लगती है। ऊपर लगाएंगे, नीचे लगाएंगे गाड़ी में जगह लगा, ज्यादा चौड़ा तो हुआ नहीं यार, ज्यादा चौड़ा तो लग नहीं रहा। चलो हवा भरेगी ना अभी, तो हवा भर के थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। नाइट्रोजन डलवा रहे हैं यार, पहले भी नाइट्रोजन नहीं थी, तो थोड़ा चौड़ा हो गया, बॉडी रेशियो में आ गया आपका टायर, बाहर नहीं निकलेगा, बट बॉडी रेशियो तक आएगा बस, बाहर थोड़ा सा हुआ है, बट बॉडी रेशियो तक हुआ ना, बट वो लगेगा नहीं फेंडर में, पॉसिबिलिटी नहीं है। नहीं नहीं, ऊपर खड्डे में जब जाएगा तो ना, इतने में कैसे लग जाएगा, इतने में लगने लग गया तो कोई अफसर ही नहीं करेगा। एक बार काट के देख लेते हैं, चाबी मेरे पास, आपकी गाड़ी की ओवरऑल हाइट बढ़ गई, काटना थोड़ा, एक बार स्टीयरिंग काटना पड़ेगा गाड़ी पे, एक बार स्टीयरिंग काटना जरा देख लेते हैं कहीं लगे ना, बस बात नहीं। ठीक है, इधर काटो सर, 225-55 में डालूंगा तब भी इशू नहीं आएगा। ठीक है, एक बार अंदर का मुझे देखने दो, सीधा कर दीजिए, सीधा कर दीजिए। बहुत थोड़ा सा फर्क है तो यार, ये लगा लिया, अच्छा लग रहा है देख के, लग तो ऐसे रहा, अच्छा लग रहा है, बढ़िया है ना, कह रहे हैं अल्ट्रा साउंडलेस है एकदम, कोई साउंड नहीं आनी थी इसमें। हाईवे पे जाओ, कल जाना है हमने हाईवे पे, देखते हैं चला के कैसा है, इनको चेंज करा के अपोलो लगा लेंगे, बोल दिया भैया से बात हो गई। UK का टायर है भाई, बहुत बढ़िया टायर है, मेड इन इंडिया बट कंपनी यूज़ की है, सिलिकॉन बेस्ड है, सारा सिलिकॉन बेस्ड, मिक्सी ना नहीं रहा ना भाई, अब दिक्कत हो रही है मिक्सी में, तो क्या करें, पहले भी इम्पोर्टेड आ रहा है। अच्छा लगा यार, बढ़िया लगा,
एक हमारा पुराने वाला, एक है नया, 205/60 16 पुराना है, 215/60 16 नया है। हाइट बढ़ गई यार गाड़ी की, 1 इंच 1.5 इंच करीब हाइट बढ़ गई। पुराने वाला अपना यार ये भैया को दे दिया और ये नए वाले ले लिए। खड़ी है भाई, जैक पे खड़ी है गाड़ी अपनी, दो खुल गए इधर के और इधर का पता नहीं क्या सीन है यार, इधर के एक खुल गया, एक है अभी। बढ़िया भाई, VWAC बढ़िया। अच्छा क्या हुआ, टूट गया क्या, ये टूट गया लगता है मेरे को भाई, लग के कहीं पर टूट गया, ये टूट गया, ये सर्विस पे जाएंगे तो दिखाते हैं क्या करते हैं इसका। बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है यार, ये तो हाई स्पीड पे ना गाड़ी बबल करती है बहुत ज्यादा, बैलेंसिंग एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। ब्रेक लगते हैं ना, ये तो पुरानी पहले लगते थे रिम वाले में, इनमें ये लगे होते हैं, देखो ये यहाँ पर उतार दिया मैंने, चिपके होते हैं ब्रेक यहाँ पर, तो ये वाला अपना है भाई। बत्तीस बाईस का, तो 32 वीक हो गया और 22वां साल हो गया, तो ऐसे पता लगता है यार ये कब का टायर की मैन्युफैक्चरिंग कब की है। ये देखो ये है ना 3222, ये मतलब 32वां महीने आपका 22वां साल बोल रहे हैं भाई पुराने टायर अपने। यार मेरे को पहले क्या होता था, वो पानी डाल के खोलते थे, अब तो मशीन है, मशीन से खोलते हैं तो रिम खराब नहीं होते। पहले अगर बहुत पुरानी बात करो, 20 साल 25 साल पुरानी, तो वो रोक सड़क पे रख के बैठ के पानी से खोलते, एक तो पाना फंसाते थे, दूसरे पाना खोलते थे, ऐसे से ही पानी होते थे, उसे फंसा के खोलते थे, सारा रिम स्क्रैच हो जाता था यार उस समय। अब तो बहुत बढ़िया मशीन आ गई है, टेक्नोलॉजी है भाई, टेक्नोलॉजी है। इंडिया बहुत बढ़िया, मेड इन इंडिया, लाइव मेड इन इंडिया, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। ये लगाना जरूरी होता है भाई, ये कुछ केमिकल सा लगाते हैं, इससे क्या होता है ये लीक नहीं होती है, टायर बैठ जाता है अच्छे से अलॉय में ना, अच्छे से बैठ जाता है। लो जी फिट हो गया, अच्छा लग रहा है ना, बढ़िया लग रहा है। चौड़ा तो हो गया भाई, चौड़ा लगाया तो होगा ही, चौड़ा तो बाहर भी नहीं आ रहा, आग के अंदर है, देखो आग के अंदर है ना, तो बम्पर से इससे फेंडर से बाहर नहीं आना चाहिए भाई, नहीं तो मिट्टी सारी निकलती है और सारी गाड़ी पे लगती है मिट्टी, उड़ के दरवाजे पे सब जगह, देखो उसके अंदर अंदर है ना, बिल्कुल फिट है भाई। 215/60 16 के ऊपर मुझे नहीं लगता टाइगून में चलेगा,
अच्छा टायर है, अच्छा फिटमेंट है, एक साइज अप होना चाहिए, ज्यादा अप करो ना फिर सस्पेंशन पे भी लोड पड़ता है। तो 215 ठीक रहा, थोड़ा चौड़ा भी हो गया, ग्रिपिंग भी अच्छी मिल जाएगी अपनी, और लुक भी आ गई गाड़ी की बढ़िया, थोड़ी हैवी गाड़ी, ऊंची भी हो गई, ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ गई ना। फोर इंच के आसपास पक्के टाइट कर दिए, खोलने तो भी ना खुले। 3 hours later चलो जी हो गया, हो सकी गाड़ी रैम जैक से नीचे। 1 eternity later ऐसे ना कर पाए कि कभी भगवान ना करे खोलना पड़े तो खुले भी ना। अच्छा मैंने कहा था ना होगी खुले ही ना। यार ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी तो बड़ी है, थोड़ी सी तो ऊंची हुई है गाड़ी यार, ऑब्वियसली टायर मोटा लगा है, 60 ही है और विड्थ बड़ी है तो थोड़ी सी तो ऊंची हुई है, ग्राउंड क्लियरेंस बड़ी है, 7-8 mm बड़ी होगी यार जरूर। तो यार एक वॉक अराउंड ले लेते हैं गाड़ी का नए टायर लगने के बाद। चौड़ी तो लग रहे हैं यार, मजा आ रहा है भाई देख के, अच्छी लग रही है गाड़ी, बढ़िया लग रही है। तो हम आए थे यूनिवर्सल टायर्स, जहां से हमने बेडेस्टिन के टायर्स लगवाए हैं। चलो जी काम हमारा हो गया, अब बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं घर की ओर। गाड़ी तो ऊंची फील हो रही है भाई, गाड़ी तो लग रही है ऊंची होगी थोड़ी सी, अच्छा है वैसे नहीं उठाई टायर्स उठा ली। पिकअप में भी कोई फर्क नहीं है, पिकअप भी ठीक ही लग रही है। खड्डे का देखते हैं खड्डों पे क्या है, बाकी इसका आपको लॉन्ग टर्म रिव्यू तो दूंगा यार, थोड़ा चला के आऊंगा, कल मेरे को कहीं जाना है थोड़ा चलाऊंगा तो वहां पर फिर मैं आपको उसका तो रिव्यू बताऊंगा ही कि हाईवे पे कैसा रहा। कल एक्सप्रेस वे पे जाना है यार ग्रेटर नोएडा वाले पे, वहाँ 100-120 पे भगा के देखेंगे, वहाँ देखते हैं ब्रेकिंग और वो सब कैसा रहता है, बाकी फिर लॉन्ग टर्म रिव्यू थोड़ा थोड़ा टाइम में आपको देता रहूंगा बीच बीच में। गाड़ी के टायर लगवा के आ गए हम घर वापस, तो इसके रिव्यूज तो मैं आपको बताते रहूंगा यार टाइम टू टाइम कि हाईवे में साउंड है नहीं है, रोड में स्टिकनेस कैसी है, ब्रेकिंग कैसी है, हिल्स में कैसा है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है यार यहाँ तक देखिए तो अच्छी तो लगी होगी जरूर, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और कमेंट तो जरूर करना भाई कैसी लग रही है। स्टे ट्यून।